नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज इस वीडियो में मैं आपको डायरिया के टीका के बारे में बताऊंगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि बच्चों में वायरल डायरिया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और ये टाइम टेस्टेड फैक्ट है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें बच्चों में डायरिया के बचाव पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, और उसी क्रम में हम लोग आज चर्चा करेंगे डायरिया के टीका के बारे में, यानी वैक्सीनेशन फॉर डायरिया। तो ये जो डायरिया के टीके हैं वो मुंह से पिलाया जाता है, ओरल वैक्सीन होता है, और ये कई तरह के होते हैं, जिनमें से कुछ का दो डोज है और कुछ का तीन डोज है। और ये आमतौर पे जब बच्चा 6 हफ्ता का होता है, 10 हफ्ता का होता है और 14 हफ्ते का होता है, तब पिलाया जाता है। और ये काफ़ी प्रभावशाली है, काफ़ी हद तक बच्चों में रोटा वायरस डायरिया को प्रिवेंट करता है। तो आप अपने बच्चों को ये रोटा वायरस वैक्सीन ज़रूर पिलाएं, इससे आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।